की सरकार अगर ऐसा करती है जिसमें जो चीज़ टैक्स पेयर के लिए आनी चाहिए वो प्राइवेट पॉकेट में जा रही है, तो घोटाला है। और उस घोटाले की जांच तो होगी। मोहल्ला क्लिनिक कितने दिन चले, दिखाने के लिए चले? अब उसके अंदर इनके जो लोग थे वो एम्प्लॉय हुए, कार्यकर्ता एम्प्लॉय हुए, किसने क्या दवाई ली वो तो इनको पता होगा। उसमें तो इनके पुराने जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी जेल में है। तो ये कहना कि जी हर चीज़ सिर्फ उनको तंग करने के लिए की जा रही है वो गलत है। मैं तो कहूँगा कि उनको अपना मन टटोलना चाहिए और लोगों से सच बोलना चाहिए। जो शराब घोटाला हुआ है जिसमें सरकार का राजस्व घटा और प्राइवेट ऑपरेटर्स का राजस्व बढ़ा, तो क्या उनके तंग करने के लिए? उनकी सरकार अगर ऐसा करती है जिसमें जो चीज़ टैक्स पेयर के लिए आनी चाहिए वो प्राइवेट पॉकेट में जा रही है, तो घोटाला है। और उस घोटाले की जांच तो होगी। उस घोटाले की जांच के अंदर दो लोग जेल के अंदर हैं पहले से ही, इनके भी तार जुड़े हुए हैं, तो उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच हैं? तो मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर अच्छा तब होता है और आपकी छवि और अच्छी होगी अगर आप जांच का साथ देंगे। आखिर में हम समझेंगे, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये मास्टर प्लान कर रही है ताकि आप आगे दिल्ली में अपनी पकड़ ना बना पाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ें इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करती। इलेक्शन पहले भी हुए हैं, हम अपनी पूरी ताकत से लड़े, जहाँ जीतना था वहाँ जीते, जहाँ नहीं जीत पाए वहाँ नहीं जीत पाए, वो जनता का फैसला है। अब आप जनता को कुछ बोल रहे हो और कर कुछ रहे हो तो आपको जांच में जाना चाहिए। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक का भी आरा देते हैं कि कहते हैं कि दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक हमने एक अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट किया है। अब उसमें फर्जी लैब टेस्ट का एक मामला सामने आया है जिसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो रही है। तो ये जो आप पार्टी में लगातार स्कैम की बौछार हो रही है और लगातार ईडी और बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है। देखिए, स्कैम बहुत हुए हैं, कई स्कैम को शुगर कोट कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक कितने दिन चले, दिखाने के लिए चले? अब उसके अंदर इनके जो लोग थे वो एम्प्लॉय हुए, कार्यकर्ता एम्प्लॉय हुए, किसने क्या दवाई ली वो तो इनको पता होगा। उसमें तो इनके पुराने जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी जेल में है। तो ये कहना कि जी हर चीज़ सिर्फ उनको तंग करने के लिए की जा रही है वो गलत है। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर बिल्कुल सच हैं वो तो जांच के अंदर जाए, क्या दिक्कत है? अभी तक पेट्रोल और कमी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 19 महीनों में 21% की गिरावट आई है कच्चे तेलों में, लेकिन आप लोग कमी नहीं कर पा रहे हैं। उनको पुनः जो है अपने आंकड़े देखने चाहिए। जो आंकड़े बढ़े हैं तेल की कीमतों में यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण, उनके अंदर पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी ने लिया है कीमतें कम रखने के अंदर, वो भारत ने किया है। उनके टाइम के अगर आप आंकड़े लेंगे, एक टाइम वो भी था जब उनके टाइम के अंदर पेट्रोल कहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, जबकि बाज़ार का जो उसका रेट है, दुनिया के बाज़ार का रेट बहुत कम था। तो कई बार वो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। 22 तारीख को राष्ट्र होने वाला है, ऐसे में जो अपोजिशन है वो अलग अलग टिप्पणियां कर रहा है। एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि राम भगवान जो है वो मांस खाते थे। देखिए, एनसीपी के नेता क्या कहते हैं, अपनी छवि चमकाने के लिए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक राम हमारी आस्था का प्रतीक है, उनके ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी करना गलत है और उनके ऊपर इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सवाल है, कांग्रेस तेलंगाना से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, ऐसा अनुरोध कर रही है उनकी पार्टी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि साउथ रीजन में बीजेपी की कुछ खास पकड़ है नहीं, लेकिन वोट अभी बेरोजगार हैं, जरूर लड़ें। तो क्या लग रहा आपको वहाँ पे, क्या? मुझे कुछ नहीं लग रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।